दौसा लोकसभा चुनाव में अब राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की एंट्री हो गई है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में अब हलचले भी मचना शुरू हो गई है। दौसा पहुंचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के लिए आरक्षण खत्म करने की बात करती है, लेकिन सच यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराने के लिए मुंबई गए थे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि दौसा की लोकसभा सीट को जिताकर मोदी की झोली में डालना है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव जीतने के हिसाब से रणनीति बनी है। पूरी टीम और सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति के नाम पर पूरे देश में जहर घोल रही है। जिले की कोर कमेटी बनी हुई है संसदीय क्षेत्र की, वो कोर कमेटी के लोगों ने गहन चिंतन मनन किया है और सबने संकल्प लिया है कि दौसा की सीट को जिता के मोदी जी की झोली में डालना है। उस हिसाब से रणनीति बनी है और पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता इसमें लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस यही नहीं पूरे देश में जाति का जहर फैलाना चाहती है। जातिगत मुद्दों को उछालकर जाति के नाम पर जो 60 साल तक उन्होंने किया है वहाँ देश को ले जाना चाहते हैं। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में केवल राष्ट्रवाद हावी रहा है, जातिवाद को कोई स्थान नहीं है और विकास की दृष्टि से मोदी जी देश को आगे ले गए हैं। देश को तीसरी आर्थिक ताकत बनाना है, मोदी जी के रहते हुए पांचवी आर्थिक ताकत बन गया और विश्व पटल पर आज भारत की पूछ है तो मोदी जी के कारण है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ से कमल का फूल खिलाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और कन्हैयालाल जी को 7 पूरे लग के हम जिताएंगे। ऐसा नहीं है, किरोड़ीलाल एक कार्यकर्ता है तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये सीट जितानी है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल और किसी प्रकार का असंतोष कार्यकर्ताओं में नहीं है और हम उनसे पूरी मजबूती से लगे हैं। सारे जो भ्रम कांग्रेस फैला रही है उन भ्रमों को जनता में जाके दूर करेंगे। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, केवल ST/SC के वर्ग को बहका रही है। जब तक मोदी है जब तक आरक्षण के कोई हाथ लगा नहीं सकता। आरक्षण मोदी जी ने बढ़ाया है और आरक्षण को मोदी जी और बढ़ाएंगे, आरक्षण को मजबूती देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने आरक्षण के प्रति जो है वो रवैया कांग्रेस का ठीक नहीं था। कांग्रेस ने संविधान रचयिता जिन्होंने आरक्षण दिया उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाकर बॉम्बे में खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने हराया था और हमारे यहाँ पंचतीर्थ अंबेडकर के नाम पर मोदी जी ने बनाए हैं। तो ST हो SC हो उनके महापुरुषों का सम्मान अगर बढ़ाया है तो मोदी जी ने बढ़ाया है। और आप देख सकते हो मेरे जैसे व्यक्ति को जो मैं रिजर्व क्लास का हूँ राज्यसभा में ले गए। राम कुमार जी वर्मा जो अपने ही जिले से वो SC के थे उनको राज्यसभा में ले गए। कांग्रेस का एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा कि ST/SC के व्यक्ति को राज्यसभा में ले जाकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।